नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने सूरतगढ़ में अन्नपूर्णा रसोई का किया शुभारंभ। विश्नोई समाज के कार्यक्रम में हुई शामिल। 4 साल के विकास कार्यों को रखा आमजन के समक्ष। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को है डर, भाजपा करवा सकती है मतदाता सूची में गड़बड़ी। पायलट ने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने का दिया संदेश। एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 4 की हुई मौत। घर के मुखिया की हालत है गंभीर। तांत्रिक कुलदीप सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने और छेड़छाड़ का अहम मामला। लिपस्टिक वाले बाबा के नाम से था चर्चित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंची। इस मौके पर उन्होंने 4 साल के सरकार के विकास कार्यों को आम जन के समक्ष रखा। साथ ही राजे ने कहा कि जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हो पाए वो 4 साल में राजस्थान सरकार ने किए हैं। भाजपा सरकार कोरी घोषणाएं नहीं करती, काम भी समय पर करने में विश्वास रखती है। हमारा फोकस घोषणाओं को सही मायने में धरातल पर लाने का है ताकि आम जन को ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। राजे मंगलवार को श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में बिश्नोई सभा समिति की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वोटों के लिए जात पात के आधार पर नहीं बांटते, बल्कि हमारा फोकस राजस्थान के समग्र विकास पर है। हमारा प्रयास है कि जनता के सभी वाजिब काम राज्य खुशी हो, किसी को भी सड़कों पर नहीं आना पड़े। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास पर केवल 308 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमारी सरकार ने 4 साल में ही 1219 करोड़ रुपए के विकास कार्य सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए हैं। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सांसद निहाल चंद मेघवाल और नगर पालिका चेयरपर्सन काजल छाबड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। अनाउंसमेंट कर रहे हो और वैसे भी राजनीति के अंदर ये लोग सब सोचते हैं कि जो भी आता है वो तो अनाउंसमेंट करके जाता है, जनता देके जाता है, काम वो कंप्लीट करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमें इस बात में चुनाव लड़ना ही कह रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि हम लोगों की आदत नहीं है, जो अपन काम करते हैं वो पूरा करते हैं। और मुझे आज ये खुशी है बताते हुए कि आप चले जाओ सूरत घर बताओ ये कांग्रेस घर से अनूप घर चले जाओ, चाहे वो आपके गौरवपथ हो, ग्रामीण गौरवपथ नई चीज अपने शुरू किए महाराज, चाहे वो हो, चाहे आपके अलग अलग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम सड़कों के ऊपर किया है वो हो, चाहे आपके जो नॉन पैचिंग बिल्कुल ही गंदी हालत में आ रहे थे उनको पैचिंग करके उनको ठीक करने का काम जो हम लोगों ने किया है, जो सीआरएम की योजना के अंदर हम लोगों ने अलग से 26 किलोमीटर का काम अभी करके दिया है, चाहे वो हनुमानगढ़ सूरतगढ़ का 4 लेन का जो 11 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। और उसके साथ मुझे याद है कि सूरतगढ़ के स्टेडियम के अंदर जब मैं बीच में आई थी आपको याद होगा तो हम लोग ट्रोमा सेंटर को सब देखने के लिए गए थे, तो एक जिसको आपने मैंने बताया स्टेडियम है उसमें से आपने एक गाइड निकाला, तो मुझे खुशी है कि अब आपको कुछ उस स्टेडियम में ठीक होकर आगे तैयार हो गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सूरतगढ़ के दौरे पर जनसंवाद के बाद ऐलान किया कि अभी सभी 33 जिलों में अन्नपूर्णा रसोइयों द्वारा गरीब आदमी को 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना और 2 रुपए में चाय के साथ आरओ का शुद्ध पानी भी मिलेगा। इस दौरान राज्य ने 2 अन्नपूर्णा रसोइयों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 156 शहरों में 405 अन्नपूर्णा रसोई वैन संचालित हैं और आगामी 15 अप्रैल तक 533 हो जाएंगी। वहां मौजूद महिलाओं को राजे ने अपने हाथों से भोजन भी खिलाया और गुणवत्ता के बारे में पूछा। वहां मौजूद विधायक द्रौपदी मेघवाल ने भी अन्नपूर्णा रसोई का खाना खाया।
कांग्रेस को डर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई भी गड़बड़ी करा सकती है, इसलिए कार्यकर्ता मतदाता सूची को गंभीरता से लें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पायलट ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से सावधान रहने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा, उपचुनाव में भाजपा हार की वजह से बौखला गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में हार के डर से सरकार मतदाता सूचियों में गड़बड़ करा सकती है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही पायलट ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो स्थानीय निकाय अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे कराए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस से जुड़े मौजूदा निकाय अध्यक्षों और पूर्व अध्यक्षों के समक्ष यह बात कही। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, देवेंद्र यादव, विवेक बंसल और जयपुर पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल मौजूद रहे। राजस्थान के बूंदी शहर में सब्जी मंडी के पास एक ही परिवार के तीन बच्चों सहित चार की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घर के मुखिया को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में सब्जी मंडी के पीछे रहने वाले महेश बैरवा के घर पर यह बड़ी वारदात सामने आई, जिसमें सोमवार रात एक परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घटना का पता सुबह लगा जब महेश के भतीजे ने पानी आने पर चाचा को आवाज लगाई, लेकिन चाचा के घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। साथ ही मकान में केमिकल की दुर्गंध आ रही थी। भतीजे और आसपास के लोगों ने गेट तोड़कर अंदर देखा तो सबके होश उड़ गए। एक तरफ महेश के 7 वर्षीय बेटे और उसकी पत्नी का शव पड़ा था, वहीं दूसरे बेड पर दोनों बेटियां सिमरन और शिवानी के शव पड़े थे। वहीं एक तरफ महेश भी घायल अवस्था में मिला, उसके हाथ की नस कटी हुई थी। उधर महेश की पत्नी की मौत भी गले के कटने से हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी भिजवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। मामला प्रथम दृष्टया से सामूहिक रूप से आत्महत्या का भी हो सकता है। जानकारों के अनुसार महेश केरोसिन का डीलर था और उस पर कर्जा भी काफी था। वहीं मौके पर ब्लेड और चाकू भी बरामद हुए। संभवतः बच्चों को खाने में जहर देकर पत्नी की हत्या और स्वयं भी आत्महत्या का प्रयास किया हो, लेकिन अभी सब पुलिस तहकीकात में ही साफ हो पाएगा। कारण चाहे जो भी हो, घटना हृदय विदारक है। झालावाड़ में गत दिनों युवक युवराज सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपित कथित तांत्रिक कुलदीप सिंह को कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक कुलदीप लिपस्टिक वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। पुलिस उपाधीक्षक छगन सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस ने थॉरलेन जांच की है, सभी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसमें कुलदीप सिंह द्वारा बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे में ले जाकर निर्वस्त्र कर अश्लील हरकतें करने की बातें सामने आई हैं। मृतक युवराज सिंह के साथ भी घटना वाले दिन मारपीट की गई, इससे परेशान होकर शायद उसने मौत को गले लगा लिया। साथ ही कुलदीप सिंह ने युवराज से भी यही कहा कि तू कल मरता हो तो आज मर जा। इस तरह से सभी के सामने बेइज्जत होने से परेशान होकर युवराज उर्फ बाबू ने आत्महत्या कर ली। आरोपित कुलदीप सिंह को पुलिस ने छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया है। इसमें पीड़ितों की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश आदि की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। इस दिशा में अभी जांच जारी है। अभी पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपितों के मोबाइल को पुलिस खंगालेगी। अभी पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है। बताया जाता है कि इस मामले में बूंदी और उज्जैन की बालिकाएं भी शामिल हैं। ज्यादातर पीड़ित झालावाड़ के हैं। इसमें और भी लोगों के सामने आने की संभावना है। कथित तौर पर आरोपी द्वारा प्रताड़ित करने पर झालावाड़ निवासी सोहन सिंह के पुत्र युवराज सिंह और बाबू ने 14 फरवरी को घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं मृतक के पिता सोहन सिंह ने आरोप लगाया कि वह युवराज के लिए लड़कियां देखने जाते तो कुलदीप सिंह को पता चलने पर वह लड़कियों के परिजनों को भ्रमित करता था, तो मेरे पुत्र को भी शादी नहीं करने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस ने 15 मार्च को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टेट ग्रांट पट्टा वितरण के तहत अलवर नगर परिषद में 57 पट्टों का वितरण शहर विधायक बनवारलाल सिंगल ने किया। इस दौरान शहर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही और भी शहर में इस योजना के तहत पट्टों का वितरण किया जाएगा। पट्टा लेने वाले सभी धारक तहसील में जाकर रजिस्ट्री भी कराएं। इस मौके पर सभापति अशोक खन्ना, उप सभापति शशि तिवारी सहित नगर परिषद कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्टेट ग्रांट के 57 पट्टों का वितरण अभी आज नगर परिषद के सभागार में किया है। सभापति जी, उपसभापति जी और हमारे पार्षद यहाँ मौजूद रहे हैं। नगर परिषद की पूरी कर्मचारी और अधिकारियों की टीम भी यहाँ मौजूद रही है। प्रेस और मीडिया के साथ समक्ष सब जो लोग हैं
उन सब लोगों को पट्टे देने का काम किया है। अभी बहुत सारे आवेदन लंबित भी हैं, उन आवेदनों को भी मैंने कहा है कि जैसे जो जिन लोगों की जो भी कमियां हैं उनकी पूर्ति करवा कर यथासंभव अतिशीघ्र उनको भी तुरंत प्रभाव से उन लोगों को पट्टे दिए जाएं, क्योंकि पट्टे लेने के लिए जिन लोगों ने अपना आवेदन लगाया है अगर उनमें विलंब होता है तो वो लोग फिर ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं किस कारण से विलंब हो रहा है, कई तरह की बातें उनके दिमाग में भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, पारदर्शिता के नियम को बनाए रखने के लिए जो भी कमी है उनकी पूर्ति आवेदक के खुद के टेलीफोन नंबर पर या व्यक्तिगत सूचना करवाकर उसकी पूर्ति करवाएं और उन आवेदन पत्रों को शीघ्र पूरा करके उनके पत्रों को जारी करने का काम करें। वहीं सभापति अशोक खन्ना ने बताया कि अलवर शहर नगर परिषद क्षेत्र में स्टेट ग्रांट पट्टों के लिए 1176 आवेदन आए थे, जिसमें से 163 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। शेष आवेदकों को कमियों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, जल्द ही और भी पट्टों का वितरण किया जाएगा। हमारे पास में अभी तक 1176 एप्लीकेशन आई हैं और हमने 163 पट्टे जारी कर दिए, बाकी सारी एप्लीकेशन अभी विचाराधीन हैं और सबको उनके ऑब्जेक्शन भी करीब करीब बता दिए गए हैं। अगर जो भी एप्लीकेंट है वो अपना उस ऑब्जेक्शन की पूर्ति करता है तो हम उम्मीद करते हैं उसको पता चलेगा। कच्ची बस्तियों के अभी ये पट्टे दिए जा रहे हैं, ये स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए जा रहे हैं जो 90 से जनरल कास्ट का और 196 से SC ST कास्ट का जहाँ पर रहता है उसका वो वहाँ का प्रूफ देगा, वहाँ के वोटर ID देगा, वहाँ के 260 से ऊपर के आदमियों से उनके हलफनामा दिलाएगा तो पट्टे के ऊपर। जालौर में चोरों ने शातिराना अंदाज में बैंक में चोरी को अंजाम दिया। चोर पहले ऊपर वाली मंजिल पर बने रीजनल ऑफिस से चाबी लेते हैं और फिर नीचे की मंजिल पर बैंक की शाखा में चोरी की वारदात करते हैं। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मामला जालौर के राजेंद्र नगर स्थित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक का है, जहां सोमवार रात्रि चोरों ने बैंक से 7 लाख रुपए की नकदी, 2 लैपटॉप और मोबाइल पार कर लिए। घटना में जो विशेष बात सामने आई, चोरों ने बैंक शाखा के ताले तोड़े नहीं बल्कि चाबी से खोले। चोरों ने ऊपर मंजिल पर बने बैंक के रीजनल ऑफिस से चाबी उठाई, फिर नीचे आकर चोरी को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना हो रही इस तरह की वारदातों के बाद भी बैंक में CCTV कैमरे नहीं लगे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आदर्श क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी राजेंद्र नगर में इनके मैनेजर साहब ने इतना दी कि यहाँ पे रात्रि में किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है, इस पर मैं जाप्ता उच्च अधिकारी मोहदे बदारे मौका मारने की है और हर तरह से पहलों पे हर तरह से जाँच की जा रही है और इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। सवाई माधोपुर में जलदाय विभाग में पुराने सामान की बोली लगने पर विवाद हो गया। बोली दाताओं ने अपने चहेते ठेकेदार के पक्ष में बोली छोड़ने की आशंका के चलते अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सवाई माधोपुर जलदाय विभाग द्वारा पुराने सामान को बेचने के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत बोली लगवाई गई, जिसमें लगभग 180 वेंडर बोली दाता पहुंचे और सामान की बोली लगाई। प्रत्येक बोली दाता से 46,000 रुपए अमानत राशि के रूप में भी जमा कराए गए। बोली लगने के बाद अधिकारी सारे कागजात अंदर ले गए। इस पर सभी बोली दाता भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी अंदर बैठे अपने चहेतों को बोली छोड़ना चाहते हैं। इस पर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ जो ऑटोमेटिक में जो बोली लगनी थी, उन लोगों ने पहले तो हमारे यहाँ 180 आदमियों के पैसे जमा कर लिए 46,000। उसके बाद में इन लोगों ने हमसे बोलियाँ लगवा ली और बोली लगाने के बाद हमसे कहा कि थोड़ी देर रुको, अब अंदर जा करके इनके जो चहेते जो ठेकेदार हैं, जो लोहे से कोई संबंध ही नहीं है उनका, वो उन्होंने उनसे कौन लोग हैं वो, इनके नाम, इनके नाम तो शायद हम नहीं जानते, बाकी इन्हीं के ठेकेदार हैं। वो सुबह भी आ गए थे वो हमारे सामने और इन्होंने कहा कि आप तो अंदर चलो, उनसे बोली नहीं लगवाई, पहले हमसे बोली लगवाई और अब अंदर जाके वो अधिकारी लोग और उनसे सेटिंग बातचीत कर रहे हैं। अब वो अंदर क्या बात कर रहे हैं हमें मालूम, मैंने पर्चियां कटाई हैं ना, तो ये साहब लोग पैसे दे रहे हैं, रात के मुआ से परेशान होके सुबह से यहाँ बैठाए रखा है, कोई ऑक्शन नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारों से मिलके अपनी मनमानी, ठेकेदार इनको कमीशन दे रहे हैं, वो ठेकेदारों को ही माल देंगे, ना तो कैंसिल कर रहे हैं ना पैसे वापस कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है ये यहाँ के अफसर लोग, कोई अधिकारी कोई बाहर से आया है, जो भी बाहर से आए हैं वो लोग ना तो ऑक्शन कंप्लीट कर रहे हैं ना उसको कैंसिल, और हमारे पास पर्चियां हैं। कितना पैसा जमा किया था ऑक्शन? 46,000 एक पर्ची का। एक पर्ची का कितनी पर्ची थी टोटल? मेरे पास 11 इलेवन पर्ची है। इलेवन पर्ची टोटल पैसा इन्हीं के पास है, वापस भी नहीं कर रहे, पैसा भी वापस नहीं कर रहे, नहीं कर रहे।
अब क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, आप ऐसे ले जाना बाद में हमसे आके। वन जलदाय विभाग अधिकारी इस पूरे मामले पर नो कमेंट्स कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। मेरा सवाल है सर, आज पब्लिक का आरोप है कि आपने यहाँ बोली लगाई है, उस अपने चहितों को उस बोली को छोड़ने का आरोप है आप, जब लास्ट बोली बाहर लग चुकी है उसके बावजूद आप बोली क्यों नहीं छोड़ रहे? नो कमेंट। योर नेम? चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सूरतगढ़ में अन्नपूर्णा रसोई का किया शुभारंभ, विश्नोई समाज के कार्यक्रम में हुई शामिल, 4 साल के विकास कार्यों को रखा आमजन के समक्ष। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को है डर, भाजपा करवा सकती है मतदाता सूची में गड़बड़ी, पायलट ने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने का दिया संदेश। एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 4 की हुई मौत, घर के मुखिया की हालत है गंभीर। तांत्रिक कुलदीप सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने और छेड़छाड़ का अहम मामला, लिपस्टिक वाले बाबा के नाम से था चर्चित। इस बार कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।